छत्तीसगढ़ में होने वाली शिक्षक भर्ती 2024 और उसके आगे आने वाले जितने भी आगामी शिक्षक भर्तियां होंगी उन सभी को लेकर के फिर से एक बड़ी अपडेट आई है, जहां पे दोस्तों ये बड़ी अपडेट स्वयं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हुआ है जारी दोस्तों, जो कि हमारे दिल्ली में स्थित है सुप्रीम कोर्ट, उनके द्वारा ये जारी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ में मौजूद बिलासपुर में हाई कोर्ट के फैसले को बिल्कुल सही माना है, बिल्कुल सही ठहराया है। यहाँ पे दोस्तों जो शिक्षक भर्तियाँ होंगी अभी 2024, 25, 26 और आगामी जितनी भी भर्तियाँ होंगी उनके लिए दोस्तों एक बड़ी अपडेट जारी कर दी है। क्या है अपडेट, पूरी जानकारी के वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आज के न्यूज़पेपर का आर्टिकल देख पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। सहायक शिक्षक के लिए यहाँ पे DLED डिप्लोमा धारी ही योग्य, तो पूरी जानकारी देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आपको सहायक शिक्षक भर्ती भी मिलेगा और साथ ही प्राध्यापक और जितने भी शिक्षक भर्तियाँ होंगी अभी 2024 के अंतर्गत उनके लिए बड़ी अपडेट है, जहाँ पे सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ BEd डिग्रीधारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। इस महत्वपूर्ण टिप्पणी के साथ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के पूर्व के फैसले को ही दोस्तों सही ठहराया गया है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के फैसले को के अनुसार कार्रवाई करते हुए यहां पे निर्देश राज्य के शासन को दिया है। ध्यान रहे कि हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद अब असिस्टेंट टीचर की भर्ती में BEd पास उम्मीदवारों को दावेदार खत्म हो जाएगी। और ज्ञात है कि जैसे कि बता दें कि DLED प्रशिक्षित अभ्यर्थी विकास सिंह युवराज जैसे बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, अब उनका क्या होगा इसको हम लोग बाद में देखते हैं, आगे की पहले डिटेल पढ़ लेते हैं ठीक है। सिंह सहित अन्य ने दोस्तों हाईकोर्ट में अलग अलग याचिकाएं दायर मतलब दर्ज कराई थी और इसमें बताया कि 4 मई 2023 को दोस्तों सहायक शिक्षक देख पा रहे हैं यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि सहायक शिक्षकों की तकरीबन 6,500 मतलब 6,500 पर भर्ती के लिए दोस्तों विज्ञापन जारी किया गया था। 10 जून को परीक्षा हुई थी और इसमें BEd और DLED प्रशिक्षित दोनों अभ्यर्थी शामिल हुए थे। बहुत ही विवाद का ये विषय था उस टाइम पे, मैंने भी वीडियो बनाया हुआ था। याचिका में बताया गया था कि दोस्तों प्राइमरी स्कूल में अध्यापन के लिए DLED पाठ्यक्रम में विशेष ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि BEd पाठ्यक्रम में उच्चतर कक्षाओं को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। भर्ती की प्रक्रिया में शामिल होने वाले नियम में विरुद्ध माना गया। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि दोस्तों कि जो प्राथमिक स्कूल के बच्चे के लिए DLED डिप्लोमाधारी ही योग्य होंगे और हाई स्कूल व हाई सेकेंडरी स्कूल के लिए जो भी जो होंगे बच्चों के अध्ययन एवं अध्यापन के लिए जो होंगे वो BEd डिग्रीधारियों का चयन किया जाता है। मामले की सुनवाई के बाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में BEd डिग्रीधारियों को सहायक शिक्षक भर्ती मतलब प्राइमरी स्कूल वाले को प्रक्रिया में शामिल करने को नियम विरुद्ध माना और इस टिप्पणी के साथ ही दोस्तों प्राइमरी स्कूल में पदस्थ BEd डिग्री धारक शिक्षकों की नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया है ठीक है। कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी किया है जिसमें 6 सप्ताह के भीतर संशोधित चयन सूची जारी करने का निर्देश दिया है। आदेश में कोर्ट ने यह भी कहा है कि दोस्तों संशोधित जो चयन सूची होगी उसमें BLED पास उम्मीदवार को ही समुचित अवसर दिया जाएगा ठीक है। अब जिनकी भर्ती हो चुकी है उनका क्या, जिनका जॉब लग चुका है उनका क्या, तो यहाँ पे बता दें जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, जैसे कि बता दें कि हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद दोस्तों चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस NK चंद्रवंशी की डिवीज़न बेंच में दोस्तों BEd अभ्यर्थियों की काउंसलिंग और अंतिम चयन सूची पर अंतरिम रोक मतलब तुरंतली वहाँ पर रोक लगा दी गई थी और हाई कोर्ट ने फैसले में BEd पास उम्मीदवारों की दावेदारी खत्म कर दी और डिवीज़न बेंच ने दोस्तों स्पष्ट किया है कि प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों के लिए केवल DLED पास उम्मीदवार ही मान्य होंगे। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि दोस्तों BEd पास असिस्टेंट टीचर जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है उनकी नियुक्ति राज्य सरकार निरस्त करे। तो इस प्रकार से सारे अपडेट थे। अब जो विवाद है दोस्तों BEd और DLED को लेकर के पूरा खत्म हो चुका है ठीक है। हाई कोर्ट ने भी ये बता दिया है कि जो देख पा रहे हैं कि इसमें DLED की जो उम्मीदवार होते हैं उनको स्पेसिफिक ट्रेनिंग मिली होती है जो कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए होती है। तो इस प्रकार से सारे अपडेट थे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिएगा और अपने अच्छे से टीचर बनने के जो सपने देख रहे हैं तो उन सभी के लिए सारे जो एलिजिबिलिटी है उसको क्राइटेरिया को पूर्ण करना जरूरी होगा आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ना, तो संविधान के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ही सबसे प्राइमरी है तो उसी के हिसाब से हम चलेंगे। तो आप जिस हिसाब से आप तैयारी कर रहे हैं तो जिस आर्टिकल में लिखा है उस हिसाब से अपनी तैयारी करिए, आप BEd करिए DLED करिए जो भी आप कर रहे हैं, तो अपनी एलिजिबिलिटी आप जिस
पोस्ट में जाना चाहते हैं, चाहे प्रथम वर्ग हो, द्वितीय वर्ग या तृतीय वर्ग, तो आप अपने हिसाब से अच्छे से प्रिपरेशन करिए, पढ़ाई करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, धन्यवाद।